अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार के चैंपियन ट्रॉफी को भारतीय टीम अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी मीटिंग में आईसीसी ने पाकिस्तान की जगह पर ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी करने का किया ऐलान, तो क्या बोले ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान की जगह पर ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी कराने का ऐलान आईसीसी ने कर दिया है। इसको देखकर अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, एरोन फिंच ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को हासिल करने के बाद क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टी20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान की धरती पर फरवरी और मार्च के महीने में साल 2025 में होने वाला था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी ज्यादा विवाद पैदा हो गया, जहाँ पर भारतीय टीम ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया और किसी और देश में अपने मैच को करने का प्रस्ताव आईसीसी के सामने रख दिया, जहां पर आईसीसी की हाल ही में मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान की जगह पर दुबई, श्रीलंका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने चैंपियंस ट्रॉफी मेजबानी को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी ने मीटिंग के जरिए जो बड़ा फैसला लिया है, उस फैसले को सुनकर मैं इस समय काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आईसीसी ने एक ऐसे देश में मेजबानी छीन ली है जहाँ पर किसी भी टूर्नामेंट को करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाल ही में आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप काफी ज्यादा लाभ के लिए अमेरिका में किया था, लेकिन वहां पर आईसीसी को काफी बड़ा नुकसान हो गया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए तो लोग आएंगे, लेकिन वहां पर उम्मीद के मुताबिक बेहतर परफॉर्मेंस खिलाड़ियों और दर्शकों की नहीं रहेगी, क्योंकि वहां सुरक्षा के हालात को देखते हुए खिलाड़ी और दर्शक अपने आप में असहज महसूस कर सकते हैं। तो वहीं एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी की मीटिंग में आईसीसी ने पाकिस्तान से मेजबानी का अधिकार छीनकर ऑस्ट्रेलिया को देने की बात जो कही है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि जब तक भारतीय खिलाड़ियों के साथ पूरी दुनिया के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान की धरती पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होगा ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जगह पर ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो सकता है, और अगर भारत चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के नाम को आगे कर सकता है, क्योंकि भारतीय टीम जिस देश में क्रिकेट खेलने के लिए इस समय अपनी मौजूदगी पेश करेगी, उसी देश में टूर्नामेंट भी होगा। तो वहीं शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान से मेजबानी का अधिकार छीन लेने की बात हो चुकी है, और अब किसी और देश को मेजबानी दी जा रही है, जिसमें दुबई और श्रीलंका को अब पीछे कर दिया गया, जिसके पीछे की वजह वहां पर पिछले कुछ समय से हो रहे टूर्नामेंट को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस समय भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए तैयार हो जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी का बेहतर आयोजन हो सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी जगह पर रखी जा सकती है जहां पर सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उदाहरण हो, साथ में पूरी सुविधा भी सभी देश और खिलाड़ियों को मिले, जो बताता है कि ऑस्ट्रेलिया देश इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं एरोन फिंच ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने वाला था, लेकिन अब आईसीसी ने पाकिस्तान से मेजबानी छीनने की बात कही है और अब किसी और देश में चैंपियंस ट्रॉफी करने की प्लानिंग की है, जो बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान की धरती से सुरक्षा के कारण किसी और देश में ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे में हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता कि ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी हो तो इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो सकता है और यहां पर सभी तरह की सुविधा भी मौजूद रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाभ भौकाल मचाते हुए भारत की बी टीम ने टी20 सीरीज को अपने नाम किया, तो खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब इन युवा सितारों को सलाम ठोका है। यहां तक कि अब युवराज सिंह से लेकर गौतम गंभीर और इरफान पठान ने भी टीम इंडिया की शानदार जीत पर कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी उनको दिल से सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कैसे इन महान खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद बांधे हैं तारीफों के पुल, उन सबके दिल जीत लेने वाले बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत के यंगस्तान ने तो इतिहास ही लिख दिया। जी हाँ, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सबसे रोमांचक 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में
जब जिम्बाब्वे ने भारत की युवा टीम को धूल चटाई थी तब ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज तो काफी क्लोज होने वाली है। लेकिन ऐसे ही नहीं, भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया गुणगान करती है। ये भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही जल्द दिखाया कि वो जिम्बाब्वे से तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक ठोक दिया तो तीसरे में खुद गिल और ऋतुराज ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे की नाक में दम कर दिया। चौथे टी20 मुकाबले में बल्ला गर्जा यशस्वी जायसवाल का 93 रनों की उनकी बेमिसाल पारी की बदौलत टीम इंडिया ने जीत की कहानी लिख दी। 3-1 से ये टी20 सीरीज ही अपने नाम कर लिया। तो फिर जब पांचवें टी20 मैच में जिम्बाब्वे की टीम अपनी लाज बचाने के लिए उतरी तब संजू के साथ मिलकर मुकेश कुमार ने तो जिम्बाब्वे की हालत बिगाड़ के रख दी और टीम इंडिया ने, या ये कहें कि भारत की टीम बी ने, जिसमें युवा खिलाड़ियों की भरमार है, जिसमें 5 युवा खिलाड़ियों ने सीरीज में डेब्यू किया, इंटरनेशनल डेब्यू किया, उन्हें कोई भी इंटरनेशनल खेलने का अनुभव नहीं था, फिर भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को उन्होंने धूल चटाकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। इन युवा खिलाड़ियों की जमकर वाहवाही हो रही है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने भी उन्हें बेहद ही खास अंदाज में जीत की बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, अब मुझे लग रहा है कि भारत का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। सच में जब रोहित और कोहली ने संन्यास का ऐलान किया तो मुझे लगा था कि कहीं हमारे खिलाड़ी लापरवाही न कर दें, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और जितने भी युवा खिलाड़ियों ने सीरीज में जलवा दिखाया है वो सब कमाल के हैं। हम सबको उन पर गर्व है। हम सबको प्राउड हो रहा है कि भारत में इतना टैलेंट है कि बिना अनुभव के भी वो जिम्बाब्वे जैसी टीम को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। वेल डन गाइज, आप बेस्ट हैं। तो वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया भारत के यंग टैलेंट का ये शानदार प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्हें लीड करने वाला हूं मैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ भी सिखाने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन्हें एक बेहतरीन गाइडेंस देना पड़ेगा ताकि वो मुश्किल समय में बिखरे नहीं और वर्ल्ड कप जैसी चुनौती में भी ये टीम चैंपियन बनकर सामने आए। चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग ही क्यों ना हो, ये युवा खिलाड़ी हर फील्ड में उत्तम है और जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम आगामी टी20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो दोस्तों, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि लोगों को लग रहा था कि रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद टी20 में भारत का दबदबा ही कम हो जाएगा, लेकिन हमारे इन युवा सितारों ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिखाया, इसीलिए तो भारत को टैलेंट की खदान माना जाता है। शुभमन गिल के नेतृत्व में यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, सभी ने क्या कमाल का काम किया है। सच में मुझे इन सब पर अभी से प्राउड हो रहा है। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा यंग टैलेंट तैनात है दुनिया जीतने के लिए और आप सबको इस सीरीज की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो केवल यही नहीं, युवराज सिंह का कहना है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जो शुभमन और अभिषेक जैसे सितारों के कंधों पर है। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग को इतना आसान दिखाया है जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। उनकी पारी लाजवाब थी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। इंडिया के यंग टैलेंट की बराबरी कोई नहीं कर सकता क्योंकि उनमें जो आग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो दोस्तों, सच में नई टीम इंडिया के लिए मैं बहुत खुश हूं, उन्हें दुआएं दे रहा हूं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सीरीज जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम को मिली जीत में तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की सीरीज जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसंग और रिकी सिंह में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम ने एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन भारतीय टीम इस
इस मैच को जीत गई, जहां भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर दुनिया भर के